सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मेरे पास है बोल्ट ऑडियो की ये न्यूली लॉन्च बोल्ट W42 वायरलेस ईयरबड्स। ये हाल ही में फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च हुए हैं एंड बात करें अगर इसके लॉन्च प्राइस की तो वो काफी जबरदस्त था। 899 में ये लॉन्च हुए थे एंड दोस्तों अब तो खैर इसका प्राइस बढ़ चुका है, अब प्राइस 1400 हो चुका है, बट मैंने इन्हें उसी टाइम पे बाय कर लिया था। तो आज का वीडियो होने वाला है इन्हीं की अनबॉक्सिंग एंड मेरे पर्सनल रिव्यू के ऊपर। सो आज मैं करने वाला हूँ इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग एंड आपके साथ में शेयर करूंगा कैसा रहा मेरा इसका साथ में एक्सपीरियंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट, लेट गेट स्टार्टेड। सो ओवरऑल कुछ इस तरीके का बॉक्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बोल्ट और W40 का यहाँ पर लोगो है, साथ ही में मेड इन इंडिया का यहाँ पर बैजिंग हो रखी है। तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बॉक्स के बैक पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे लो लेटेंसी गेम है, ड्राइवर के बारे में बताया गया है, क्वाड माइक सेटअप एंड कौन सा ब्लूटूथ इसमें वर्जन है, ये सारी चीजें हैं। बॉक्स को ओपन करने पर यहाँ पर हमको सबसे पहले एक मैनुअल मिलता है। अगर मैनुअल को आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको स्लाइड में रख देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक बॉक्स है एंड ये एक कार्ड है। ये बॉक्स एंड कार्ड दोनों इसी बॉक्स के अंदर में थे। यहाँ पर ये 3 मंथ की एक्सटेंड वारंटी का कार्ड है, तो जिसका प्रोसीजर यहाँ बैक पर है, तो इसे आप कर लीजिएगा। ये रखे हैं हमारे ईयरबड्स, इनको रख देते हैं साइड में एंड साथ ही में एक बॉक्स है एक्सेसरीज का। तो एक्सेसरीज के बॉक्स को मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो एक्सेसरीज बॉक्स के अंदर यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलते हैं ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स स्मॉल एंड लार्ज साइज के, जिन्हें आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से यूज कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर है ये एक चार्जिंग अडेप्टर, USB टाइप ए टू टाइप सी का यहाँ पोर्ट है। बाकी इन सभी चीजों को मैं बॉक्स के अंदर रख देता हूँ। सो बात करें अगर इसके ओवरऑल लुक्स की तो देखने में काफी प्रीमियम लगता है। ओवरऑल इसके ऊपर एक सॉफ्ट टेक्सचर रबड़ की लेयर लगी हुई है। एंड अगर बात करें चार्जिंग के लिए तो यहाँ पर चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर एक आपको राइट लाइट मिलती है जो कि चार्जिंग पर लगाने पर ग्लो करती है, जो कि इसका इंडिकेटर पॉइंट है। सो साइज इसका काफी कॉम्पैक्ट सा है, तो इजीली आपके पॉकेट्स में आ जाएगा, तो काफी पॉकेट फ्रेंडली ये डिवाइस होने वाला है। सो बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, तो लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में IPX वाटर रेजिस्टेंट एंड स्प्लैश फीचर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 13mm के डायनेमिक ड्राइवर मिलेंगे, SBC एंड AAC कोडेक सपोर्ट मिलेगा, क्वाड माइक सेटअप है साथ में विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, गेमिंग मोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 7 to 8 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा आपको ऑन अ सिंगल चार्ज एंड अप टू 45 आवर्स का विद केस मिल जाएगा। साथ ही में बोल्ट चार्ज मिलता है, जिससे कि आपको 10 मिनट के चार्ज में 100 मिनट का प्ले टाइम मिल जाएगा एंड फुल्ली टच कंट्रोल यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो जो कि आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं यहां पे टच कंट्रोल्स की, तो किसी भी ईयरबड को आप एक बार टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा, साथ ही में एक बार टैप करने पर म्यूजिक पॉज भी हो जाएगा। तो राइट साइड के ईयरबड को 2 बार टैप करेंगे तो नेक्स्ट म्यूजिक प्ले हो जाएगा एंड प्रीवियस म्यूजिक के लिए लेफ्ट ईयरबड को 2 बार प्रेस करना होगा। ऐसे ही वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए राइट ईयरबड को 3 बार टैप करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड लेफ्ट ईयरबड को 3 बार टैप करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। किसी भी वॉइस असिस्टेंट फीचर को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी बर्ड को लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही कॉल को कंट्रोल करने के लिए कॉल पिकअप करने के लिए 1 बार टैप करना होगा एंड अगर कॉल को एक्टिव कॉल को एंड करना है तो 2 बार आपको टैप करना होगा तो कॉल आपकी एंड हो जाएगी। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट से ईयरबड्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी इजीली ये आपके ईयर पे फिट हो जाते हैं एंड सपोर्ट दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से रहते हैं, तो आप कैसी भी एक्टिविटीज इनके साथ में कर सकते हैं, ये नहीं निकलेंगे तो आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज इन पे कर सकते हैं। साथ ही में ये मैग्नेटिक केस के साथ में आते हैं, तो ये देखिए सपोर्ट इनका काफ़ी अच्छे से है तो ये निकलेंगे नहीं। तो किस तरह की आवाज़ यहाँ पर इन ईयरबड्स से मिलेगी इसका एक हल्का सा आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर म्यूजिक की बात करें तो साउंड काफी बैलेंस है, ट्रेबल सब कुछ ऑडियो काफी बैलेंस है। 100% ऑडियो के वॉल्यूम में तो नहीं सुन सकते हैं, बट 80% तक में आप इसको लगा करके इजीली यूज कर सकते हैं। बाकी कॉलिंग्स के लिए यहाँ पर इसमें 4 माइक मिलते हैं, तो दोनों ईयरबड्स में आपको 2-2 माइक मिलते हैं, एक जो कि आपका यहाँ टॉप पर है एंड एक यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक बॉटम पर है बिल्कुल। तो कॉलिंग क्वालिटी इसकी काफी ठीक है, साथ ही में ENC के साथ में ये आते हैं तो काफी हद तक बैकग्राउंड नॉइस को ये कवर कर देता है। तो राइट नाउ अभी जो वीडियो आप ये देख रहे हैं, जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये अभी इसके
माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल रही है। हालांकि बात करें अगर इसकी गेमिंग की तो 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो कि आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। ओवरऑल ये काफी अच्छे ईयरबड्स हैं, हालांकि इनका प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। जिस प्राइस पे मैंने इन्हें बाय करा था उसमें तो ये काफी बेस्ट हैं। हालांकि अगर आप देखें, अगर अच्छी डील्स एंड ऑफर्स आपको मिलते हैं एंड प्राइस अगर आपको इसका 1200 के आसपास तक मिलता है तो आप डेफिनेटली इन्हें बाय कर सकते हैं। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।